10. Good evening and welcome to the Kapil Sharma Show. मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये नेचर जो होती है कुदरत इसके ऊपर किसका कानून लागू होता होगा. ये जो फल सब्जियां आती हैं इनके नाम कौन रखता होगा, आलू को आलू कौन बोलता होगा, कौन डिसाइड करता होगा कि केला जो है खुले में नहीं आएगा ऐसे कवर पहन के आएगा, कौन डिसाइड करता है कि अंगूर नंगा आएगा लेकिन ग्रुप में आएगा. क्योंकि अंगूर छोटा आता ना मेरे ख्याल से, इसलिए ग्रुप में आते को थप्पड़ ना मार जाए ऐसे, मुझे ऐसे लगता है. अच्छा कुछ फल जो होते हैं नाम से ही महंगे होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी. ऐसा लगता है कहीं बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है स्ट्रॉबेरी. आप देखना कभी दुकानों में फल पड़े रहते हैं, जो सस्ते फल होते हैं वो बाहर रेडी पे आए हुए पड़े रहते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं. स्ट्रॉबेरी अलग से एक डिब्बे में पड़ी रहती है यूं करके. एक्चुअली जितना महंगा फल होता है ना उसको उतनी इज्जत के साथ रखते हैं. स्ट्रॉबेरी यूं करके बैठी रहती है और लगी भी शीशे में होती है तो दूसरी सब्जियों को चिढ़ा रही होती. अदरक देखा कभी आपने, अदरक रेडी पे ऐसे पड़ा रहता है दारू पी के पड़ा हो ऐसे, और सब्जी वाला पानी मारता है और ऐसे आंख खोल के दे देता, हट गाली दे के फिर सो जाता है हर एक सब्जी का. लेकिन नाम से बड़ा फर्क पड़ता है. जैसे धनिया है, धनिया नाम से लगता है कि मुफ्त में आता होगा, और अगर कोई पैसे दे के खरीदता भी तो घर जाके बनाता इसकी चटनी होगा और बेचारे का क्या बनेगा उसका, धनिया का मटर पनीर तो बन नहीं सकता. एक मिर्ची होती है, आप जितनी भी सस्ती ले आओ ज्यादा खा लो तो बड़ी महंगी पड़ती है. अच्छा कुछ लोग फालतू में नाम का ही खा रहे हैं, जैसे पाइन एप्पल, उसने फोकट में एप्पल लगा रखा है, हालांकि उसमें एप्पल जैसी चीज कोई है नहीं. उल्टा कभी कभी सब उसको फल वाले को कभी कभी खारिश होती है ना, खुजली होती है तो उठा के वही रगड़ देते. अपने नाम से सबसे ज्यादा दुखी है नाशपति. वो कहती है जब ऑलरेडी पति था तो नाश लगाने क्या जरूरत थी, तो नाश तो हो ही गया. अच्छा नींबू का मुझे समझ नहीं आया, नींबू दुनिया में आया क्यों है, उसका बेचारे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. उसको कभी निचोड़ देते हैं, कभी दीवार पर टांग देते हैं, कभी गाड़ी के बाहर टांग देते हैं, और कभी कभी गन्ने की मशीन में गन्ने के जूस निकाल रहे होते हैं, जब जूस पूरा निकल जाता ना तो नींबू को बिना पूछे ऊपर रख देते हैं. वो पूछते हैं मेरे को किस लिए, उतनी देर में पिचक. मतलब बेचारे के साथ बड़ा बुरा होता है. अरे सब्जियां मैं आपस में बात करती होंगी, वैसे भिंडी बोलती होगी ये सुनो ये टमाटर इतना लाल कैसे है. टिंडे जैसा आदमी हमेशा सलाह जरूर देता, बिकता तो है नहीं वो, और बैठे मेरे को ऐसा लगता है टिंडा पक्का सेब खाता होगा. ये हमारे दास दादा है ना, एक दिन पत्ता गोभी ले आए, उसको छीलते रहे छीलते रहे. मैं कहा क्या कर रहे हो, कहते पत्ते पत्ते निकले जा रहे, गोभी निकल रही. अच्छा मूली की पता नहीं आदमी से क्या दुश्मनी है, पहले तो पेट खराब करती है फिर माहौल खराब करती है. इन सब सब्जियों का अलग अलग एटीट्यूड एक्चुअली. अच्छा कुछ लोग ना सीजन में फल नहीं खाते, क्योंकि सीजनेबल जो फल होता है महंगा होता है, वो वेट करते हैं वो कि जब सस्ता हो जाए तब लेंगे, तो कभी कभी तो सस्ता होने पर भी नहीं खाते. फिर जो सेब मंडी में पड़े रहते हैं ना वो खुद आवाज लगाते हैं, अबे अब तो खा ले अब तो सस्ता हो गया मैं, क्या बीमार पड़ूंगा तभी खाएगा. जब औरतें सब्जी खरीदती हैं ना कभी ध्यान से देखना, मतलब फटाफट उठा लेती हैं, भाई ये वाला लगाना, तो खुद चुन चुन के डालती हैं. ऐसे में कुछ सब्जियां नीचे गिरा देती हैं वो फिर टिंडा फिर बेचारा आता है, वो बिकता है नहीं उधर पड़ा होता है, नीचे गिरता है फिर स्कूटर के नीचे आ जाता है. एक आध आलू गिर गया, आलू जो होता है वो बड़ा फुर्तीला होता है, जैसे सड़क पे गिरता है ना उसको पता नहीं किस बात की जल्दी, फटाफट सड़क पार कर लेता है वो फिर किसी गाय के मुंह में आता है. जब ऐसे रेडी वाला लेके जाता है ना सब्जियां, तो स्पीड ब्रेकर आती है ना, छोटी छोटी सब्जियां एक दूसरे की टांगे पकड़ लेती हैं, उनको पता हम गिर ना जाएं. उस समय सिर्फ कद्दू होता है जो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, कद्दू होता है भी मोटा सा ना, सर पे वो डुंडी लगी होती है नेटवर्क पूरा, उसको पता है जब तक रेहड़ी पलटेगी नहीं, जब तक थेड़ला पलटेगा नहीं मेरा कुछ नहीं हो सकता. तो कद्दू कॉन्फिडेंट सब्जी है स्पीड ब्रेकर के मामले में, ये मेरी रिसर्च कहती है. करेला और लौकी ये सब्जियां आई इसलिए हैं कि वाइफ में और हस्बैंड में झगड़ा करा सके. जिस दिन करेला बना हो आदमी का मुंह करेले जैसा होता है, अगर वो सब्जी खाने को मना कर दे बीवी का मुंह लौकी जैसा हो जाता है. तो काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं हमारी. अच्छा ऐसे बहुत बार होता है हमारे घरों में जब हम लोग दाल सब्जी बनाते हैं, कभी हस्बैंड को पसंद नहीं आती, जब हस्बैंड बनाते हैं तो बीवी को पसंद नहीं आती. ऐसे मेरे कोई दोस्त हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमारे घरों में ऐसी प्रॉब्लम होती हैं. जी आप दोनों ने हाथ खड़ा क्योंकि साथ में आए आप. हाँ मेरे हस्बैंड है. अच्छा अच्छा कैसे हैं हस्बैंड जी. इनको ऑफिस में मैं टिफिन देती हूँ. अच्छा तो पहले स्टार्टिंग में तो 5 देती थी, स्टार्टिंग में जब जॉब शुरू हुआ था तो उसमें से 1 लौट के आ जाती थी. क्या? फिर रोटी. अच्छा रोटी. हाँ फिर बाद में 4 रोटी रख दी थी, उसमें से भी 1 लौट के आ जाती थी. फिर मैंने 3 रखना शुरू किया तो 3 में भी 1 लौट के आ जाती थी. फिर गुस्से में आके मैंने बंद ही कर दिया इनको टिफिन देना अभी. अच्छा ये हो सकता है ये वैसे भी 2 रोटियां खाते हो
पता करो जो 5 रोटियां पहले थी वो कौन कौन खाता रहा क्या पता तो आपको क्या पसंद नहीं आता अभी चपातियां कम क्यों हो रही हैं आपकी सर एक्चुअली हमेशा डेली कभी गोभी की सब्जी कभी बैंगन की सब्जी कभी कद्दू कभी लौकी सारी यही सब आइटम डेली खाने में रहते हैं तो इसीलिए तो यही होती सब्जियां और क्या आपको सिद्धू जी की सब्जी बना दे वो क्या मतलब सब्जियां तो यही होती हैं थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए सर कभी कभी डिफरेंट कैसे मतलब क्या चाहते हैं नॉनवेज वगैरह भी थोड़ा बहुत होना चाहिए मुझे नॉनवेज पसंद है तो थोड़ा बहुत बीच बीच में होना चाहिए सर हमारे शो में नॉनवेज की बात कर रहे हैं इट्स अ फैमिली शो तो आप नॉनवेज के शौकीन हैं सर कभी कभी नॉनवेज भी ला के देता हूँ वो भी बनाती है तो ऐसा लगता है कि लौकी जैसा टेस्ट आता है उसमें से भी तो इनका आप शिकायत कर रहे हैं कि उनको खाना नहीं बनाना आता नहीं वैसा नहीं है बट तो फिर और क्या है गोभी आपको पसंद नहीं आती मटर आपको पसंद नहीं आते नॉनवेज आपको नहीं क्या क्या चाहते हैं आप सर मुझे तो डाउट आता है कभी कभी ये बाहर जाके किसी के साथ खाते हैं इसीलिए बाहर कैसी बात कर रही हैं बिल्कुल सही बात कर रही हैं आप बोलो हो सकता है इनका ध्यान रखो जरा थोड़ा सर ऐसा नहीं है बाहर खाता हूँ मैं खाना बट रोटियाँ रहती तो थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है ना थोड़ा बाहर का थोड़ा इसीलिए थोड़ा बहुत बच जाता है सर रोटी के मामले में ही है ना मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, सर रोटी के मामले में अच्छा अच्छा फिर तो ठीक है चलो कोई बात नहीं खाना बाहर का खा तो चलेगा चलिए कितने साल हो गए आपकी शादी को 7 साल हो गए सर फिर कहाँ आपको गोभी अच्छी लगेगी अभी ये तो पहला साल ही होता है भाई साहब जब पुदीने की चटनी भी नॉन वेज से कम नहीं लगती आदमी को पर चलिए शुक्रिया शो में आने के लिए धन्यवाद ओ अच्छा इतनी बढ़िया चाय भी क्या चाय होती है मैं सच्ची में कभी कभी सोचता रहता हूँ भाई साहब चाय पियेंगे मलाई मार के पिला दो इधर फ्री नहीं मिल रही पियेंगे और ये गंदी चाय पीने से 4 लोग बीमार खबरें पड़ी जा रही हैं गलत अफवाह फैलाने वाले को पुलिस ने धरा सोनी टीवी ने चलते शो से एक आर्टिस्ट को निकाला दूसरे चैनल से फोन आने लगे दूसरे चैनल से फोन आने लगे कि यहाँ मत आना उधर के उधर ही निकल जाना तेरी बात सुनो कपिल शर्मा अरे बैठ जा तेरी दुकान पे कस्टमर तो कोई आता नहीं मुझे बुला लिया कर थोड़ी भरी भरी लगती दुकान अच्छा नहीं कपिल शर्मा शो में जो मेरी पोजीशन है जो मेरी जगह है वो कोई नहीं ले सकता नहीं तेरी जगह तो है पोजीशन तेरी क्या है मतलब गोभी ले टमाटर ले मूली ले 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 इधर देखो कौन ले ले ए, मेरी बात सुनो एक तो तेरी ना ये ड्रेसिंग सेंस इतनी खराब है ये तो सब्जी वाला बन के आया है कोट पैंट पहन के क्यों आया तू ऊपर से टाई लगाई हुई है ऐसा लगता है गर्मी से जुबान बाहर आई हुई है एक आदमी उधर चाय की टपरी लगा के बैठा है तू इधर सब्जी का ठेला लगा है तुम लोग कर क्या रहे हो बात सुनो शो का सब्जी मंडी है ये और मेरी बात सुनो कपिल शर्मा आप बड़े आदमी हो आप इनके मुंह मत लगो मैं बात इधर मेरी बात सुनो ठाकुर तुम इतने बड़े कॉमेडियन होकर ये सब्जी बेचते अच्छे लगते हो एक मिनट ये भी मानता है कि मैं कॉमेडियन हूँ ये भी का क्या मतलब यही तो मानता है ये दोनों ना एक दूसरे को कॉमेडियन मान के बैठे हुए हैं कि तू आना मैं तेरी बात पे हंसूंगा मैं आऊंगा मैं तेरी बात पे हंसूंगा और हम दोनों नहीं होंगे तो हम एक दूसरे पे हंसेंगे कर कर रहे हो ये लौकी को ये लेमिनेशन करा के कौन लेके आया अभी क्या है तेरी सब्जी ये देखो पीले रंग की शिमला मिर्च तो होती कोई नहीं सब्जियां भी खराब काम खराब है तेरा यार मेरी बात सुनो इतने बड़े कॉमेडियन होकर तुम सब्जी बेचते अच्छे लगे सच बताना यार चंदू साहब आप चाय बेचने वाले होकर कॉमेडी कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं ओए मैं चाय वाला थोड़ी हूँ हाँ मैं तो कॉमेडियन हूँ जो इधर चाय बेच रहा हूँ कॉमेडियन चाय कॉमेडियन चाय कैसे बेच सकते एक कपिल शर्मा तुमने मुझे क्या बनाया क्या हुआ है पागल अब ले बैंगन ले एक मिनट इतने सारे टमाटर तेरे पास तेरा शो था आज अच्छा मतलब तुझे इतने टमाटर नजर आ गए साथ में हरी गोभी पड़ी वो नजर नहीं आई ये देख लो गोभी बोल रहा है इसको गोभी है ओए ये गोभी नहीं होती ओए ये महंगी वाली गोभी होती है ओ महंगी
मैं धूप में बैठ के मटर छीलने वाला हूँ, तुम लोगों को क्या बता ये ब्रोकली होती है, और तुम्हें शर्म नहीं आती इधर आके बीच में खराब कर रहे हो मेरी सब्जियां बेच रहे हो? यार कमाल कर रहे, कपिल शर्मा शो है, यहाँ पर आके तो शाहरुख खान सब्जी बेच के गए थे, आलिया भट्ट सब्जी बेच के गई थी, तो मैं कौन से खेत की मूली हूँ? और एक बात बताओ मेरे को, ये मतलब क्या स्पेशल चाय बेचता है? चाय तो कोई भी बेच सकता है। तो ये भी कोई भी है, ये कौन सा स्टार है कोई? तुम्हें ऐसे मेरे साथ बात मत करो, तुम्हें पता है इस चैनल का मैं एक विश्वसनीय कलाकार हूँ, और तुम्हें पता है जो सोनी टीवी पे जो लोगो आता है ना हमारे शो पे, वो राइट साइड पे आता है चंदन के मुंह पर, चंदन 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 चंदन, वो लोगो इसलिए आता है क्योंकि शो आता है 9 बजे, 9 से 10:30 लोगों का डिनर का टाइम होता है, तो ऐसे मुंह अच्छे नहीं लगते, तो उधर वो लोगो डाल देते हैं क्योंकि लोगों ने खुद कहा कि इधर लोगो डालो। बस लोगो लोगो लोगो, तुम लोगों की वजह से ना मुझे सब्जी बेचनी पड़ रही, कोई बात नहीं अगले महीने मेरी भी फिल्म आ रही है पंजाबी। yeah? तो फिर हमारी तो फिरंगी आ ही रही है। क्या कहा आपने? मेरी फिल्म की बातें छोड़ो, अपनी करो, तुम्हारे से होगी नहीं क्योंकि वो 400-500 करोड़ की बात, कहाँ तुम 15-15 रुपए की बातें कर रहे हो। और वैसे भी ये जो तुम कह रहे हो ना, भी सुना होगा कहा होगा, ऐसे नहीं बात बननी, करके बताओ जैसे हम करते हैं, चाय बेच के दिखा अगर है हिम्मत तो। ये कौन सी बात है, सबसे आसान काम है, इधर से आना, आते करना, ओए होए 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 पाजी हो गया पता। इसने मेरे जैसा किया? हाँ तो मैं तो पहले कह रहा हूं मैं इससे अच्छा करता हूं। देख लो अच्छा करने वाले घर बैठे हुए हैं। तो अपने घर बैठे हुए हैं, इसकी तरह कपिल के घर के बाहर तो नहीं बैठे हुए? ओए पर्सनल हो गए पर्सनल। वो नहीं तुझे पसंद करता, वो नहीं तुझे शो में रखता, ये मेरी तरफ क्यों नाराजगी क्यों है तुम्हारी? मैं तेरे से कोई नाराजगी नहीं, तेरे से डायरेक्ट जलन है। फिर ऐसा क्या किया तूने जो तुझे शो में रखा हुआ है? अच्छी एक्टिंग। एक्टर तो ये मतलब ये स्कूल टाइम का फ्रेंड है, ये कॉलेज टाइम का। एक्टर तो ये स्कूल से बड़ा अच्छा था, मास्टर उसको बुलाता था ना कल आया क्यों नहीं, वो तो भूल ही जाता था, ऐसे एक्सप्रेशन देता था पैसे ले लेता था। जा यार। तो मैंने स्कूल की फीस भरनी होती थी। कौन सी फीस? 15 तारीख को एडमिशन मिलती थी, 16 को उसको स्कूल से निकाल देते थे। कौन सी फीस? नहीं नहीं ये अपनी गर्लफ्रेंड की फीस भरता था, फीस ये भरता रहा, मांग कोई और भर गया। अच्छा बातों बातों में भूल गए ठाकुर, चल जन निकल, हमें अपना काम करने दे यार। निकल मतलब? निकल मत, जैसे आया वैसे निकल, इधर को निकल। वाह शर्मा जी आप वो दिन भूल ही गए। कौन सा दिन? जब हम तीनों के पास काम नहीं होता था, कसम से बता रहा हूँ, मेरी दुकान पे बैठ के इनको मैं मूंगफली खिलाता था। अगर तूने मेरे बादाम खिलाए होते तो तुझे शो में लेता हूँ पक्का। अच्छा मुझे अगर पता होता ना कि हमारे कपिल ने दा कपिल शर्मा बन जाना, मैं सच्ची पिताजी को गिरवी रख के तुझे बादाम खिला देता। चलो मैंने तो मूंगफली खिलाई, इसको तूने शो में रखा, इसने तुझे कुछ नहीं खिलाया आज तक। खिलाया हो या ना खिलाया हो, तुम ना मुझसे कोई गालियां वाली खा लेना जो मैंने फ्रेंच में सीखी हैं। अस्त्र मतलब अस्त्र ऐसे मतरा से बस स्टैंड दाम जरा बिस्तरा। तू सोच ले, तू काम कर रहा है तो तूने एक लैंग्वेज में गालियां सीखी, मैं 6 महीने से घर में बैठा हूं, मैंने किस किस लैंग्वेज में गालियां सीखी होंगी। और तुम लोगों ने आपस में लड़ना तो मैं सो जाऊं थोड़ी देर। नहीं नहीं मैं बताता हूं, सबसे पहले दुनिया मैंने ही देखी है, और इन तीनों में से सबसे पहले गर्लफ्रेंड मेरी होती थी पता। और सही बात है, इसकी तो गर्लफ्रेंड की तरफ वाकई भी कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था पाजी, इतना प्यार तो नहीं करता था। नहीं, प्यार है, उसकी शक्ल ऐसी ऐसी बिल्कुल नहीं थी यार, वो तो ऐसी थी। इसकी गर्लफ्रेंड बड़ी सुंदर थी, तमीज से, वो नेशनल लेवल की स्विमर थी, वो स्विमर स्विमर कुछ नहीं थी। पंजाब में हमारे ब्यास दरिया है, लोग बड़ा मानते, गाड़ी निकलती ना कोई तो लोग ऐसे ऐसे ठिप्पा फेंकते हैं, मतलब एक सिक्का फेंकते हैं ना, तो वो ऐसे दरिया किनारे बैठे थे, जैसे ऊपर से सिक्का आया सिक्के से पहले पहुंचती थी। अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ। मेरी है ही नहीं। और है नहीं क्या, बनी नहीं आपकी? नहीं तो बाजी 1:30 बजे जाकर लड़की को कौन कहता है अपनी शक्ल देख, ऐसे लगता है तोती मेकअप करके बैठी हुई है। अच्छा बड़े इसके अजीब शौक है, इसके पापा ही ने एक कुत्ता पाला, वो कुत्ता नाराज हो गया जैसे उसे अकल आई,
उसने इसको देखा, कहता मेरे गले में पटा क्यों और इसका खुला क्यों? फिर ना इसके पापा ने समझाया कुत्ते को, कहते बेटा पटा पालतू के गले में डाला जाता, आवारा के नहीं। और पाजी जिसके दोस्त आवारा हो वो कुत्ते आवारा ही निकलते हैं फिर। एक मिनट चलो सारी बातें ठीक, तू मेरे सोफे पे कैसे बैठ गया? ये भी अच्छा है, यहाँ भी कैसे कहते आगे। आज हमारे बीच में है राजीव ठाकुर, जोरदार तालियां। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी कोई भी फिल्म क्यों नहीं आ रही? नहीं नहीं, तो हम मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वी आर कॉलेज फ्रेंड। कोई स्क्रिप्ट शो नहीं, कभी कभी अपना मजा करते हैं। हाँ, क्या है? ये ऐसे बकवास कर रहा कि मेरे चीजें मांग के लाते थे तो घर में, मेरी शादी थी तो मैं ना बड़ा खिलाफ हूँ दारू वारू के, महंगी बड़ी ना। अच्छा पता क्यों ये हंस क्यों रहा है? ओके ओके। और एक वैसे सच बात है कपिल शर्मा, मैं आई एम बिग फैन ऑफ यू अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग। ऐसा बोलता रहना। और ये अच्छा, हाँ जी मैं कर लूं। हाँ क्या था? मैंने बियर पी थी क्या? मेरी शादी में पहली बार इसने बियर पी थी। हाँ तो मैंने गुस्से में पी थी, मेरे को इस बात का गुस्सा था इस आदमी को कोई धक्का नहीं देता, लड़की किसने दे दी है? एक बात सच्ची बताऊं, हम तीनों में सबसे पहले टीवी पे मैं आया था। हाँ दो लड़के और भी तो आए थे उसमें, वो तीनों के मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था, नीचे ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, चाकू दिखा के भिखारी से छीने 50 रुपए। नहीं नहीं, पर ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं राजीव ठाकुर, इनके लिए जोरदार तालियां। चलो फटाफट हटाओ, मेहमान आ रहे हैं। चलो 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 चलो, तुम भी चलो। मैं किधर? चलो लेके जाओ, मैं अभी ब्रोकली सूप पी के आता हूँ। भाजी आज जो हमारे यहाँ पे गेस्ट आ रहे हैं ये मल्टी टैलेंटेड हैं, ये डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, और इनकी जो बेटर हाफ हैं बहुत ही सुरीली आवाज की मल्लिका हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा स्टार मियां बीवी मिस्टर विशाल भारद्वाज एंड मिसेज रेखा भारद्वाज। जी बाजी कुछ कहना चाहते हैं? जब हाथ में हो ऐसी रेखा तो जीत ही जीत है, मेरी नजर में आपकी जोड़ी साक्षात सुर और संगीत है। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। आप सबको पता भी होगा और मैं बता भी दूं कि विशाल सर को आज तक 7 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, राइट सर? 3 बार म्यूजिक डायरेक्शन के लिए, 2 बार स्क्रीन प्ले के लिए, ओंकारा के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड और 1 बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म अवार्ड। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, थैंक यू आपके अचीवमेंट्स के लिए। सर मुझे जानना है आप अपने विजिटिंग कार्ड पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे हर प्रकार के नेशनल अवार्ड मिलते हैं। नहीं, हर हर चीज की तसल्ली बख्श मरम्मत की जाती है। सर आप अपनी फिल्म की DVD कौन से भगवान को चढ़ाते हैं? आपकी हर फिल्म एक से बढ़कर एक होती है, बहुत ही मजेदार फिल्में बनाते हैं। तो रंगून जो है बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, हालांकि विशाल जी और रेखा जी जो हैं वो रंगून का प्रमोशन के लिए नहीं आए हैं क्योंकि ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं, पर ये हमारी चाह थी कि विशाल सर और रेखा मैम एक साथ हमारे शो में आए, सो इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट की और वो आए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। भाई रंगून जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आसपास की स्टोरी है, सर ये आइडिया कब आया था आपके दिमाग में कि मैं ऐसी रंगून जैसी फिल्म बनाऊंगा? एक्चुअली मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है मैथ्यू रॉबिन्स और वो हॉलीवुड में लिखते हैं। क्या बात है सर, दोस्त भी बड़े बड़े, हमारा रमेश दिनेश आपके दोस्त भी खाल। अच्छी बात है, बड़े लोगों के बड़े संबंध, अच्छी बात है। एक्चुअली हमने भी अब उनको नाम वैसे चाचा कर लिया, हम उनको चाचा कह के बुलाते हैं। सही बात है, नहीं तो इतना कौन बोले मैथ्यू रॉबिन, आप खाना खाएंगे इससे? चाचा चाय पियोगे? उनको अगर मैथ्यू बोल दें तो उन्हें बुरा लगता है, वो बोलते हैं कॉल मी चाचा। उनको बताया आपने चाचा का मतलब क्या होता है? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो वो पहले उनको लगा चाचा चा तो नहीं है।
तो वो ये आइडिया लेके आए. मुझे नहीं पता था कि वर्ल्ड वॉर टू में इंडिया का पार्टिसिपेशन था. उसके अराउंड फिर हमने एक लव स्टोरी की. पर वॉर इसमें बहुत ही कम लेवल पे है. इट्स जस्ट अ बैकड्रॉप कि उस वर्ल्ड वॉर के दौरान कैसे ये तीन लोगों की एक रोमांटिक कहानी. पर बहुत ही खूबसूरत आइडिया सर. मैं कि हालांकि फिलहाल देख नहीं पाया बिकॉज मेरी अपनी फिल्म आ रही फिरंगी. उसकी शूटिंग में सर आजकल बैक टू बैक ट्रैवल भी कर रहा. प्रमोशन कर लेते हैं. वही तो हो रहा है सर. सर आप इतने टैलेंटेड हैं. आप तो एक दूसरे को बहुत एंटरटेन करते होंगे घर में अगर टाइम मिलता हो. नहीं एक दूसरे को गाने सुनाते सर आपको. अरे वो रेखा की बड़ी बुरी आदत है. अच्छा. वो एक उसको कोई एक लाइन अगर सुबह से चिपक जाए तो रात तक वो गंग 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 पंखे की तरह चलती रहती है. अच्छा. वो फिर क्या होता है वो 24 घंटे बाद मेरे दिमाग में भी चलनी शुरू हो जाती है. तो मैं रेखा को पकड़ के रखता हूँ कि प्लीज ये गुनगुनाना बंद करो. अच्छा. प्लीज बंद करो. अच्छी बात है आप एक दूसरे को ऐसे ही बिजी रखते हैं तो अच्छा लड़ाइयों से बचता है. पाजी विशाल सर जितने टैलेंटेड हैं ये वैज्ञानिक भी हैं. अच्छा. इन्होंने एक बहुत अच्छी खोज की है रंगून में अभी फिलहाल. कीचड़ किसकी. सर ये कीचड़ में किस करवाने का आइडिया कहाँ से आया था आपके दिमाग में. सबसे बढ़िया तो कंगना ने बोला. वो कंगना वाला क्लिप चलाना. हाँ. हम लोगों के ऊपर कम से कम 80 किलो का कीचड़ था और शायद की मूंछों में कीचड़ भरा हुआ था. और उसकी मूंछें मेरे मुंह में और मुंह में कीचड़. सर हाउ दिस इनोवेटिव आइडिया. चलिए मैं अब आपको एक और बढ़िया इसमें कहानी बताता हूँ. जी. तो पूरा हम तो सर्दी बहुत थी उस दिन. अच्छा. जनवरी का टाइम था. आई थिंक द कोल्डेस्ट डे ऑफ जनवरी दैट ईयर. ओके. 12-13 डिग्री हो गया था. तो वो ये था कि वो कीचड़ जो मुंह पे जो कीचड़ लगे एटलीस्ट वो एक खास कीचड़ आनी चाहिए. अच्छा. तो वो फिर वो जो प्रोडक्शन वाले थे वो कहीं दूसरी जगह से कोई खास कीचड़ लेके आते थे. साफ कीचड़ वनीला फ्लेवर क्या होता है. साफ कीचड़ क्या होता है सर. मतलब डिजाइनर कीचड़. डिजाइनर कीचड़ होती है. एनीवे वो कुछ एम्बर पाउडर कुछ होता था वो लगता था. अच्छा अच्छा. हाँ. पर कुछ देर बाद वो इतने शॉर्ट्स हो रहे थे कि वो पाउडर खत्म हो गया. तो फिर वो कॉस्ट्यूम वालों ने वो नॉर्मल कीचड़ को बोलते सर स्पेशल कीचड़ है. जो कि आज तक नहीं पता. अब तो फिल्म रिलीज हो गई तो अब ठीक है. मैंने तो कंगना शायद की इतनी तारीफ की. मैंने कहा आप कितने डेडिकेटेड एक्टर हो. आप कीचड़ में घुस के किस कर रहे हो. और उनको मन में उन्होंने बताया नहीं मेरे को ये पाउडर है. हेलो. हेलो एवरीबॉडी मीट मायसेल्फ. आई एम Mrs. Shakespeare. Shakespeare नहीं Shakespeare होता है. थे तो वो पियर ही लेकिन दो बियर के बाद कहते थे कॉल मी Shakespeare. और वैसे भी उन्होंने कहा था नाम में क्या रखा है. एक बात बताइए शेक्सपियर क्या अंधेरी वेस्ट में पैदा हुए थे जो आप हिंदी बोल रही हैं. इन्होंने फिल्म हिंदी में बनाई ना तो हिंदी में बोलूंगी. एनीवेज विशाल जी मेरे हस्बैंड की स्टोरी से इंस्पायर होके आप बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में बनाते हैं ना. जी. मेरा 10% का है. आप कैसे हो सकती हैं मिसेस शेक्सपियर. मुझे पता था आप लोग मुझ पर यकीन नहीं करेंगे इसीलिए अपने हस्बैंड का मैं लिखा हुआ ये किताब अपने साथ लाई हूँ. हेलमेट. हेलमेट नहीं उन्होंने हैमलेट लिखा था. कभी कभी मैं भी पी लेती हूँ इसमें एल की जगह हैम, हैम की जगह लैम. वैसे भी नाम में क्या रखा है. शर्म नहीं आती. मेहमान है बहाने से पैसे हटने के आ गई है. हाँ तो मैं क्या करती मुझे बताओ. एक तो ऐनक के ऊपर ऐनक लगा के बैठी है. हाँ ये ओरिजिनल है वरना दिखाई नहीं देता मुझे. अब सब क्लियर क्लियर दिख रहा है. नानी मेहमान आए इतने बड़े कलाकार आए हमारे यहाँ पे जाकर चाय पानी लेके आओ. वैसे विशाल जी ये एड्रेस पता है आपको. करना पड़ेगा चश्मा लगा के. नानी मोहल्ले में पहली बार आए हैं कैसे बताएंगे. अरे मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर इन्होंने मुझे एड्रेस बता दिया कि पुष्पा आगे जाके लेफ्ट लेना फिर राइट लेना तो बाहर जाके कम से कम चार लोगों को मैं बता सकूंगी कि इतने बड़े डायरेक्टर ने मुझे डायरेक्शन दिए है ना. विशाल जी जी
मेरे साथ डांस करो ना। अरे मैं मुझे डांस आते ही नहीं है। अरे इसमें क्या है, मुझे बहुत अच्छा से आता है, मैं आपको सिखा दूंगी। तो पहले कपिल को सुधरा। कपिल ये गाएगा, तू गा रे? मैं नहीं गा सकता, मेरा 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 गला सो रहा है। होता नहीं है, बैठता है। तो बैठ बैठ के थक गया ना, सो गया। कहानियां लेके आ जाती है। ये देखो कैसे लड़कों की तरह जा रही है अभी। फिर बस यही कर करके कमा रहे हैं। ऐसे कुछ भी हम लोग कर देते हैं। आपको बोर तो नहीं हो रहे? एंजॉय मतलब बहुत मजा। और विशाल सर ऐसे ही कर देते हैं वो? नहीं नहीं ठीक है। आप भी तो कभी मेरे सेट पे आएंगे। चलिए ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। भारद्वाज फैमिली के सुपुत्र जो हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आसमान, सर ये नाम बड़ा प्यारा रखा आपने, आसमान जी। बड़ा गहराई वाला नाम है। आसमान हाउ आर यू? आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं आप? मैं न्यूयॉर्क में पढ़ रहा हूँ स्क्रीन राइटिंग। अच्छा क्या बात है, बनता है आपका? और आप हमारी तरह इंग्लिश मैथ में कमजोर नंबर लेके मार थोड़ी खाने हमारे साथ हुआ ऐसा। तो क्या स्क्रीन प्ले राइटिंग सिखाते हैं वहाँ पे? हाँ हाँ यार, ये मुझे भी सीखना है एक्चुअली। कितना लंबा कोर्स होता है ये? 4 साल का कोर्स है। छोटा कोई नहीं होता 10-15 दिन में। वैसे ही मुझे तो 2-4 गोरे लोग फ्रेंड रूम बना के वापस आए ना, ऐसे होता है वैसे आसमान? 10-15 दिन का तो नहीं, लेकिन 3 महीने का होता है। 3 महीने का कम से कम? 3 महीने का तो मैं कर ही सकता हूँ। सोनी साहब 3 महीने के जा सकता? बड़ी अच्छी बात है, आप अच्छा ही करेंगे आप भविष्य में। बहुत बहुत अच्छा लगा आसमान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। अच्छा मैम, जब आपकी शादी हुई आपने पेरेंट्स को बताया होगा कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, आमतौर पर 36 गुण मिलाए जाते हैं, आपके 7 सुर मिले थे क्या? आपका क्या, आप कुंडलियाँ मिलाई थी आपकी? पता नहीं कुंडली का तो पता नहीं, मिलाई होंगी शायद उन लोगों ने, पर बताया था। हाँ और फिर विशाल बात करने गए थे तो मैं तो बाहर ही रही थी उस दिन। दिन में आप रिजल्ट का वेट कर रही थी? हाँ रिजल्ट। और विशाल ने आके ये भी कहा कि बहुत डांट पड़ी, बहुत डांट पड़ी। डांट पड़ी मतलब मजाक में मेरे को उल्लू बनाया। आपकी तो फैमिली भी म्यूजिक से रिलेटेड है सब? जी जी, और विशाल पहले से जानते थे, हम लोग कॉलेज से ही मिलते थे, घर में सब आते थे। तो विशाल सर उस समय आप तो अभी काम नहीं कर रहे थे ना बॉलीवुड में, फिल्मों में? नहीं मैं स्ट्रगल कर रहा था। तो आपने क्या बोल के इम्प्रेस किया उनके घर वालों को? मैंने कहा कि मैं यू नो बहुत अच्छे से रेखा को रखूँगा, बहुत ख्याल रखूँगा और अच्छे अच्छे गाने बनाऊँगा, खाना भी पकाऊँगा। अच्छा उन्होंने कहा नहीं पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने बोला ऊपर वाला देगा। मैम आपने इतने खूबसूरत गाने गाए हैं, आपकी आवाज़ में एक एक्स फैक्टर है जो किसी की आवाज़ में नहीं है। जब आपने नमक इश्क का गाया था, ये किसका डिसीजन था? और विशाल सर को ऑब्वियसली उन्होंने? हाँ बड़ी लंबी कहानी है, विशाल का था। और असल में क्या हुआ था कि उस टाइम पे बीडी जलाईले ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था और बहुत कम वक्त था जिसमें विशाल को गाने इतने सारे करने थे। तो विशाल जब भी गाना कंपोज करते हैं तो हमेशा एक बार सुनाते ज़रूर हैं रिएक्शन लेने के लिए। तो वो गाना भी सुनाया और विशाल ने कहा कि इसके कैसा लग रहा है, तो मैं गुंजाइश है या नहीं। देन उसके बाद चाहे वो मेल सॉन्ग हो या फीमेल, ही ट्राइज कि मैं अगर मेरे को याद हो जाता है तो एक दो लाइन मुझसे सुनते हैं टू गेट द पर्सपेक्टिव। एक्चुअली मैं बताता हूँ हुआ क्या था, रेखा को याद नहीं है कि मैंने रेखा से बोला तुम गा के सुनाओ,
तो उस कॉम्पोजिशन में हाई नहीं था मेरी तरफ से. अच्छा. हाई लगाया तो मैंने बोला ये गाना अब तुम्हारा. कि हाय तो, मेरी बीवी ने ऐसा सुर लगा दिया क्या बात. नहीं सुर नहीं लगा दिया, ऐसा चांद लगा दिया. क्योंकि अगर वो हाय उस गाने की जो जो असली जो जोड़ता है दो लाइनों को वो हाय से जोड़ती है. तो मुझे लगा मुझे ऐसे कंपोजर मुझे नहीं सूझा. ये रेखा ने इतना खूबसूरत किया और इतना अच्छा गाया था. मैंने तभी रिकॉर्ड करके प्रोड्यूसर को बोल दिया कि ये गाना तो मेरी बीवी गा रही है. क्या बात है, बहुत अच्छी बात है. आपसे एक फटाफट एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ सवाल करूंगा आप. ओके. अच्छा सोते हुए खराटे कौन ज्यादा मारता है. मैं. आपको कैसे पता, आप तो सो रहे हैं. मुझे पता चलता है सुबह. अच्छा सुबह कभी कभी जिस दिन रेखा मारती है खराटे तो मैं उस दिन रिकॉर्ड कर लेता और सुनाता हूँ कि देखो मैं अकेला नहीं. खराटे बड़े सुर में मारते होगी ना. नहीं भाई पर क्या होता है खराटे का ऐसा होता है कि जो पहले सो गया ना वो सुखी है, जागा फिर उसको जागना पड़ता है खराटे में. मुझे किसी ने बताया था तो मैं क्या करती थी, विशाल 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 ऐसे थोड़ा सा हिला देती हूँ. अगर खराटे अपने आप आते तो कराटे नहीं आते, पराठे क्यों नहीं अपने आप आते, बनाने क्यों पड़ते हैं. एनीवे सर आप मल्टी टैलेंटेड हैं, जैसे आपने कहा कि एक्टिंग नहीं मैंने अभी तक की. हालांकि आप एक्चुअली आपने कभी स्टेज प्ले वगैरह पे कभी एक्टिंग नहीं की. नहीं नहीं मैं बहुत ही खराब एक्टर हूँ एक्चुअली. वो कैमरे के पीछे से ठीक है मेरे लिए. अच्छा. कैमरा ऑन होते ही कुछ मेरी हालत खराब हो जाती है. सर मैं आपको एक और फील देने के लिए को स्टार आपको ओरिजिनल देता हूँ, आपकी खुद की बीवी. अगर आप इनको रोमांटिक डायलॉग बोलना हो वैसे कोई भी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है या कुछ भी जो आपका दिल करे वैसे कुछ भी सर. थैंक यू सो स्वीट. नहीं मैं एक काम कर सकता हूँ मैं अगर आप चाहें तो. मुझे एक मैं इनक्लोज्ड शायर भी हूँ, मैं पोइट्री भी करता हूँ. और इस बार गुलदार साहब ने मुझे एक धमकी दी हुई है. क्या? कि मुझे इस आने वाले साल में अपनी पोइट्री की बुक छापनी है. अच्छा क्या बात है. तो फाइनली मुझे, क्योंकि मुझे बड़ी शर्म आती थी कि यू नो अपनी पोइट्री क्योंकि मैं कभी शेयर नहीं. पर कब तक आप कर रहे हैं रिलीज सर? मेरे ख्याल से अगले 6-7 महीने में रिलीज होनी चाहिए. तो उसमें मैं उसमें से एक नज्म एक सुना सकता हूँ जो रेखा के लिए लिखी है मुझे, क्योंकि मैं जी 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 प्लीज फोन से देख के सुना लेता हूँ. सो सर और क्या क्या कर लेते हैं आप, घुड़सवारी भी कर लेते हैं. इतने टैलेंट एक इंसान में कैसे हो सकते हैं. तो ये एक नज्म है रेखा के लिए, वो मैं सुनाता हूँ आप जी. कि अकेला छोड़ के घर में ही ना मुझको जाया करो. वाह वाह, पहली ही लाइन में इतना रोमांस. अकेला छोड़ के घर में ना मुझको जाया करो, ऑन होता नहीं है टीवी तुम ना देखो तो. हाय हाय कमाल कर दी. क्या बात है. ऑन होता नहीं है टीवी तुम ना देखो तो, और ताला भी कहाँ खुलता है अलमारी का. तुम्हारे जाते ही नल को जुकाम होता है, टपकने लगता है टप टप ये बदतमीज मुआ. हवा से मिलके पर्दे रात भर डराते हैं. वाह क्या बात है. हवा से मिलके पर्दे रात भर डराते हैं, तमाम बत्तियां एसी भी और इंटरनेट जाम हो जाते हैं सारे के सारे बेवजह. वाह. तमाम बत्तियां एसी भी और इंटरनेट जाम हो जाते हैं सारे के सारे बेवजह, बेवजह चलने लगते हैं तुम्हारे लौटने पे. वाह क्या बात है. मेरे खिलाफ कई साजिशें सी होती हैं, अकेला छोड़ के घर में ना मुझको जाया करो. भाई जैसे विशाल सर रेखा मैम दोनों मियां बीबी इतने टैलेंटेड हैं, वैसे ही हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक मौजूद हैं आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे जिनकी बीवियों में कोई टैलेंट है या उनके पतियों में कोई टैलेंट है, या टैलेंट है भी नहीं बीवियों को लगता है कि है और पतियों को झेलना पड़ता है, या सेम टू विमेंस. जी सर. हेलो. हेलो जी नमस्कार. ये मेरी वाइफ बैठी है, इनमें भी बहुत टैलेंट है. अच्छा जी. क्योंकि ये मेरे साथ 30 साल से मेरे साथ रह रही हैं. एक टैलेंट तो मुझे पता है, ये सवेरे परांठे खिलाती हैं आपको चार. मूली के जी, मूली के. वो सारा दिन जो होता है वो ये इतनी कोई बर्दाश्त करना पड़ता है. आज तो नहीं खा के आए? नहीं आज नहीं खाए सर. मेरे मुझे लगा ऑर्डर से सांस रोकी हुई, पता नहीं. आज नहीं खाया. नहीं तो मैं सर दिल्ली से आया हूँ. तो क्या टैलेंट है सर? टैलेंट है कपड़े की सिलाई करना, स्वेटर बनाने का. लेकिन ये 15 साल से मेरे पास स्वेटर बनाती जा रही है, बनाती जा रही है. जब भी स्वेटर बनाती है कभी नाभि से ऊंचा कर देती है, कभी बाजू छोटा कर देती है. लेकिन कपिल सर मेरे को इनसे इतना प्यार है, मैं स्वेटर नीचे ऊपर कभी पहन लेता हूँ. लेकिन कपिल सर एक बात की मेरे बहुत समझ नहीं आती, बेटों का स्वेटर बनाती है बिल्कुल ठीक होता है,
कभी गड़बड़ी होती। आप गड़बड़ आपकी तरफ से, आपने साइज घड़ा बढ़ा दिया होगा ना। मेरे 15 स्वेटर मेरे पास खड़ा पड़े हुए हैं, लेकिन मैं उनको आज भी पहन रहा हूँ। अब आप देखो, बेल्ट जो है ना वो सामने देखनी चाहिए, आपकी बेल्ट जमीन को देख रही है। यार ये डिटेलिंग है आपकी। क्या बात है। इनकी जो बेल्ट है वो डाउन टू अर्थ है। सर कपिल जी, मेरी जब शादी हुई थी तो मेरा वेट था 60 kg। 60 kg। आज मेरा वेट है 140। तो ये सब इनकी मेहरबानी है। सर आपका वजन उस समय सही था, अगर इतना होता तो घोड़ी तो बहुत बद्दुआएं देती आपको। कपिल, इनको अवार्ड आज पक्का मिलना चाहिए। पक्का, ये पक्का। पहला शख्स देखा मैं जिसकी घरवाली एक शब्द नहीं बोली और बोले चला जा रहा। नहीं नहीं नहीं, बोले चला जा रहा। नहीं नहीं नहीं, एक शब्द नहीं बोली, बाय गॉड कह रहा हूँ। घरवाल क्या करते हैं? एक मिनट यार, एक मिनट सर मेरा। एक अब मेरी बेल्ट से पेचा लगा लो। क्या बात है, बड़े मनोरंजक है सर आप। आइए विशाल जी, रेखा जी, हमारे शो की एक रवायत है, जब भी हमारे कोई बड़े ही मनोरंजक हमारे दर्शक आते हैं, हम उनका एक खूबसूरत सा गिफ्ट देते हैं। आज तो मेरे लिए कुछ ऐसा हुआ कभी जी, मैं बता नहीं सकता। बता नहीं सकता के चक्कर में इतना कुछ बता जाते हैं, और कैसे बता नहीं सकता। मेरा ये कंडीशन है कि मैं आज जो चीज मांगता, इससे ज्यादा कोई मैं मांग नहीं सकता था। बस सो स्वीट ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए। शुक्रिया सर। थैंक यू महाराज बाब। थैंक यू महाराज, वेरी एंटरटेनिंग, वेरी एंटरटेनिंग। थैंक यू भाई। गॉड कह रहा हूँ, मैंने जफ्फी डाली है, ये नहीं पता लगा जफ्फी इधर थी कि इधर थी। पर सर एक्चुअली नहीं, वॉक किया करें आप, वॉक वो करते कि नहीं आप? नहीं, नहीं, करता सर, किया करें ना आप, इतने मनोरंजक इंसान हैं, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। हाँ, आप लोग मेरे को अपने साथ बना, भाई बच्चा बना लीजिए। आपको बच्चा बना लूं? आपके अंदर, आपके अंदर 10-12 बच्चे लग रहे मुझे। पर सर मैं आपको बताता हूँ, मैंने मेहनत करके मैंने 10 kg कम किया अपना। सर सेहत बहुत बड़ी चीज है सर, आप इतने प्यारे इंसान हैं, सेहत का जरूर ख्याल रखें, वॉक जरूर किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और कोई मेरे दोस्त, हमारी बहन जिनको ऐसी कोई कंप्लेंट है? अच्छा सब मर्दों को कंप्लेंट है, आओ भाई आपकी क्या कंप्लेंट है? सर आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं शादीशुदा लोगों के ऊपर सर, लेकिन मेरा तो शुरू होने से पहले ही मतलब सब खराब हो गया। क्या हो गया? एक्चुअली सर मेरी फियोंसी थी, है अभी, हाँ जी, तो उससे मेरा झगड़ा हो गया। किस बात पे लेके? सर मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा। तो इस वजह से ये बात फैमिली तक पहुँच गई। अच्छा, आओ मेरे गुलशन ग्रोवर, किस बात पे गुस्सा आता तुम्हें? क्रोध तो बहुत बड़ा विनाशकारी है, क्रोध तो करना नहीं चाहिए। तो मैं आपका ये जो शो है लाखों लोग देखते हैं, लाखों करोड़ तो सर मैं ये नेशनल टीवी के सामने मैं उसे माफी मांगना चाहता हूँ। So sweet. ये बहुत अच्छी बात है कि आप कन्फेस कर रहे हैं। मैं उसे माफी मांगना चाहता हूँ। यार हम तो शादी के बाद माफियां मांगते, तू पहले ही मांगे जा रहा है। हाँ जी सर, ये बहुत बड़ी बात है कि आप कन्फेस कर रहे हो नेशनल टीवी पे। आपने गुस्से में उनको कुछ बोला होगा जो उन्होंने गुस्सा कर लिया, पर हमारी प्रार्थना है कि वो मान जाए। अगर वो नहीं मानी तो मैं समझूंगा कि समझदार है। सर अगर मान गई, अगर मतलब नसीब मेरा हुआ तो सर मैं वापस उसे लेके आऊंगा शो पे। नहीं मान जाएगी तो कहीं शादी करके घूमने फिरने जाना, क्यों टाइम वेस्ट करना है सर? एक काम करना, अकेले में जाके पैर वैर पड़ के थोड़ा मामला खत्म कर। एक्चुअली बोलना अकेले में मिलना चाहता हूँ, जैसे दरवाजा बंद होगा ना पैर पड़ जाना। कौन सा कुछ देख रहा है, उसी ने देखा, सारी उम्र किसी को बताएगी ना, अपना गुन्नी रहना। ठीक है सर, प्लीज इसे कट मत कीजिएगा सर, प्लीज। ये जो तुम्हें क्या लग रहा है मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इतनी देर से? क्या बात है, हमारे दर्शक देख लो एडिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं आजकल। पर ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। पापा, 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 तुमने पापा को देखा? हमारे पापा देखने वाली चीज है, इनके पापा तो पैदा हुए, माँ ने नहीं देखा बाद में। उन जैसे दिखाया गया था ये आपका बच्चा, तो इनकी दादी जो है वो डॉक्टर कहती है आई एम सॉरी, मेरी ये इंटेंशन नहीं थी। हाँ तो ठीक है, तुम पापा को मत देखो, मुझे देख लो। अच्छा जब मेन बेस ही खराब है, उसकी शाखाएं, मतलब क्यों इंटरेस्ट लूंगा मैं, कैसे तुम्हें देख लो भी?
अच्छा वो या तो वो करके बिता, वो जो करती है तू सोसाइटी फंक्शन में, सर ये ऐसे पूरी जीव निकाल के ना खड़े खड़े ऐसे जमीन में से चिप्स उठा लेती है, कब वो करके दिखा। क्या बात बोल रहे हो तुम, किसकी जीव इतनी लंबी हो सके, तुम हटो एक सेकंड। हेलो विशाल सर। हेलो रेखा मैम। हाय हाय हाय। तुम बता नहीं सकते थे कि रेखा मैम और विशाल सर आ रहे हैं? तू बड़ी डोनाल्ड ट्रंप की बेटी, तुझे तेरे से पूछ के काम करेंगे हम क्यों बताएंगे? अरे लेकिन मैं भी तो तुम्हें घर की सारी बातें बताती हूँ। सारी बातें क्या, एक ही बात रोज बताती हूँ, आज हमारे घर में खाना नहीं बना। ये इसने आज तक नहीं बताया कि मिट्टी का तेल पीती, पता आपको? तुमने कौन सा मेरी मुंह में दिया जलते हुए देखा है? कुछ भी बोलते हो तुम कप्पू, तुम चुप रहो। मैम पता है मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत बड़ी फैन है, बहुत बड़ी, स्पेशली पापा, वो तो आपकी सिंगिंग के पीछे पागल है। सिंगिंग के पीछे तीन वर्ड क्यों लगाए, वो वैसे ही पागल है। वो तो कप्पू वैसे ही पागल है, नहीं तो कौन डॉक्टर आदमी ऐसे चलता 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 बीच में ऐसे ऐसे करता है। आप झूठ बोल रही है। मैं सच बोल रही हूँ विशाल सर, वो आपके फिल्मों के बहुत बड़े फैन है, बहुत। वो इसलिए फैन है विशाल सर आपके, उनको लगता है कमीने आपने उनके ऊपर बनाई है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? सच्ची। इधर आके बैठ के बात कर, कैमरा की तरफ बात करते हैं। हाँ और बता। तो गाना तो तुम भी ठीक ठाक गा लेते हो। मैं तो बहुत कुछ करता हूँ, तू भी करा कर ना कुछ। हाँ मतलब म्यूजिक का शौक मुझे भी, लेकिन मुझे सही गुरु नहीं मिला पाजी। अभी जा जाके अंदर अपना काम कर। नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगी, पेशेंट को संभालने के लिए कोई नहीं है। एक तो सुबह से पापा नहीं मिल रहे, पता नहीं बम्पर कहाँ मर गई है। कहाँ बम्पर? अच्छा एक्टिंग का मतलब ये नहीं कि एक्टिंग करनी होती है, अगर पीना ही था तो पी लेता, इसको फूंक क्या मार रहा है, हमें इतनी दूर से दिख रहा है, पी इसको। प्रॉपर कर, प्रॉपर काम करो, कोई काम चोरी नहीं चलेगी इस शो में, करो पियो इसको। ये जूस किसका है? आंवले का मैडम। वो तो मुझे पता है, यहाँ स्टार कौन है? कपिल शर्मा। चल निकल, निकल। नमस्ते विशाल जी, नमस्ते रेखा जी। आई एम बम्पर, रहती हूँ अपने दम पर। और तू बात भी कम कर, अंदर जाके अपना काम कर। कब से ढूंढ रही हूँ मैं, तुम कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही थी? हाँ तो गुलछर्रे मेरे हैं, मैं कहीं भी उड़ाऊँ। गुल 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 गिल गिल बिल 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 गुल 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 गिल 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 बिल बिल गो। ये गलत लिरिक्स हैं। अब मुझे जैसी शक्ल दिखाई देती है उसके हिसाब से लिरिक्स चेंज हो जाते हैं। बम्पर। वैसे भी आपको भी तमीज होनी चाहिए ना, आप एक म्यूजिक लेजेंड से बात कर रही हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, मैंने मैंने अपनी एक म्यूजिक कंपनी खोल ली है। जी हाँ। ये हो। मुझे पता तू इधर पेट पे शटर लगा के अपना मॉल भी खोल सकती है। तुम ड्रम जैसी हो, इसका मतलब ये नहीं कि म्यूजिक कंपनी शुरू कर दूं। देखो सरला, तुम भी एक लड़की हो, मैं भी एक लड़की हूँ। आई एम ओरिजिनल, यू आर एन असेंबल्ड पीस। शाबाश, सत्य और अहिंसा। बट एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड कॉमेडी शो। तो आओ दो दो हाथ, डोमेस्टिक वायलेंस हो जाए। पापा, 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 पापा। मैं बताऊं रेखा जी, विशाल जी, आज मुझे आपके आशीर्वाद की सख्त सख्त जरूरत है। प्लीज दीजिए ना आशीर्वाद। आशीर्वाद भीख मांग रही है? नहीं, सख्ती से। शुक्रिया। वैसे एक गायिका की बातें गायिका ही समझ सकती है। हाँ ये तो ये कहना पड़ूंगा सर, ये इतनी मतलब टैलेंटेड है ना, जो छोटा वाला तबला होता ना उसको अचार लगा के खा के जाती है, कई बार देखा मैंने। कपिल शर्मा मैं कब से देख रही हूँ आप मुसलसल बेकार की बातें कर रहे हैं। क्या ये देखा आपने, सुना आपने मैंने किस तरह उद्रू भाषा को यूज किया है? क्या मुसलसल? उद्रू क्या आता है? उद्रू भाषा। लेकिन रेखा जी देखा आपने, रेखा जी देखा, रेखा जी देखा, देखा रेखा, रेखा देखा, देखा रेखा, देखा देखा, रेखा देखा, देखा देखा। देखिए मैं कोशिश नहीं भी करती हूँ ना तो भी ऐसी तुकबंदी मेरे से हो जाती है, और टैलेंट इतना भरा हुआ है ना मेरे अंदर।
कर नहीं पाती हूँ। और बाकी आपने देख लिया कि उर्दू भाषा में कैसी पकड़ है मेरी, बहुत ज्यादा पकड़ है इसकी। मतलब ये तो उर्दू पकड़ती है तो ऐसे कर्स के पकड़ती ना कि उसका धू निकल जाता है, उर रह जाता है उसका, बहुत पकड़ है इसकी। कपिल शर्मा आप मुझे छोटा मोटा ना समझे क्योंकि वो मैं हूँ। लेकिन संगीत के मामले में बहुत मामले क्या बात है उधरू, यू डोंट नो एनी उधरू। संगीत के मामले में मैं बहुत बड़े संगीत के घराने से निकल के आई हूँ। बहुत बड़े घराने से निकल, बड़े छोटे में तो अटक जाएगी तू। पर देखो तुम बहुत बड़े घराने से निकली, आज अगर चाहो तो तुम्हारे अंदर से तीन घराने निकल सकते हैं। तीन घराने, एक नगाड़ा और फ्लूट तो अनगिनत। विशाल जी ये वाला जो ट्रम्पेटर है ये बचता रहेगा, इसे इग्नोर कीजिए, रहने दीजिए। लेकिन रेखा जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जिस तरह क्रिकेट की फैन है ना, उसी तरह मैं भी क्रिकेट की फैन हूँ और आपकी तरह हर मैच में भी स्टेडियम में जाके देखती हूँ। मेरा तो जरूरी है ना, तो स्टेडियम के बिना मैच कैसे होगा। रेखा जी के पास टाइम कहाँ है मैच देखने जाने का। अच्छा तो सिद्धू जी का झूठ बोलते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं ओ हो क्या शॉट है, बॉल गई सीमा रेखा के बाहर। अब वहां पे अगर रेखा जी अपनी फ्रेंड सीमा के साथ नहीं बैठी हुई है तो बॉल कौन सी सीमा रेखा के बाहर जा रही है। लेकिन विशाल जी मानना पड़ेगा सही में आप बहुत लकी हैं, आपकी रेखा कितनी सीधी है। मेरी रेखाएं देखिए सब टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी, पता नहीं कहां जा रही है। सीमा रेखा छोड़, तू अपना पेट पकड़, अंधेरी वेस्ट में खड़ी होती है तो दाईं तरफ वाला ईस्ट में जाता है, थोड़ा ठीक रहा कर तू, फिट हो जा। विशाल जी आपने सात खून माफ बनाई थी ना, मुझे बस एक खून माफ करवा दी, एक खून माफ कर, मेरी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसे मारना चाहते हैं आओ। देख मेरी बात सुन, ऐसे तेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, तो काम कर चाहे थोड़ा थोड़ा शुरू कर, 200-200 ग्राम करके अपने आप को मुंबई के बाहर फेंकना शुरू कर, तेरा कुछ अच्छा होगा, I'm telling you। आपसे तो मैं बाद में निपटती हूँ। वैसे प्रॉब्लम से मुझे याद आया, क्या हुआ था ना कि मैं ऐसे ना सिंगर तो मैं बन गई हूँ काफी उच्च कोटि की। सुनाओ तो सही, पहले उनको कुछ अपना ऑडिशन ही दे दो कुछ थोड़ा बहुत, चार इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, दो सुर तो लगा के दिखाओ। वो दीजिए ना, वो सबको देते हैं जो भी है वो। हाँ कुछ भी माइनस प्लस वो वाला वो। ये क्या कर रही है? मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ। प्रेपरेशन भी कोई चीज होती है, आपको आदत नहीं है लगता है उसकी। ये मेरी बात सुनो बाजी, ये ना पक्का किसी कवाल को जिंदा निकल गई है ये। वो तेरे निकल नहीं रहा, वो भी हारमोनियम समेत। ये क्या कर रही हो बम्पर? गला साफ तो करते हैं ना, गाते हैं तो सर करते हैं ना गला साफ। बुलाओ अपने राइटर को, बुलाओ, गला साफ करते हैं। एक मिनट आप राइटर से मिल लीजिए, राइटर साहब आप आइए जरा। नसीर भी क्या है? नसीर भाई। विशाल जी आदाब, रेखा जी आदाब। आदाब। इस नाचीज को शमशेर नागपुरी कहते हैं। नागपुर से पहले तो संतरे आते थे, ये एक्सीडेंट हुआ, चीकू कहाँ से आ गया ये? यहाँ पे आने से पहले ट्रक के नीचे आए थे साहब। चीकू पिलपिला नहीं है, दबा के देख लीजिए, आज भी कवाक मिलेगा। वैसे विशाल जी आपने शमशेर नागपुरी का नाम तो सुना ही होगा,
ये जैसे वो बड़े बड़े शायर होते हैं ना, शायर लुधियानवी, और तो अपने नाम के आगे शहर का नाम इसलिए लगाते हैं ताकि वो अपने शहर के नाम को रोशन कर सकें। ये वाले जो शायर होते हैं ना, ये अपने नाम के आगे इस तरह अपने शहर का नाम लगाते हैं ताकि इन्हें कोई पीट वीट दे और मार मूर के कहीं ऐसे रख दे ना, तो लोग उठा के इनके शहर इन्हें पहुँचा दें, बस इसलिए लगाते हैं, और कुछ नहीं है। तहजीब से बात कीजिए। शट अप। हाँ, ऐसे तमीज से बात करिए। तो आप जरा तहजीब से बात कीजिए। हम गालिब की विरासत से हैं। ओहो, कहाँ गालिब, आप उनके आगे गाली हैं। हमारी लिखाई नहीं, बड़े बड़ों को राह दिखाई है। हाँ नहीं, ये करेक्ट कह रहे हैं। ये जो बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं ना हाईवेज के ऊपर, उनके ऊपर जितने होर्डिंग्स हैं उनपे सब इन्होंने ही लिखा है। यहाँ से आगे से दाएं मुड़िए, बदलापुर 200 किलोमीटर आगे, ये सब इन्होंने ही लिखा है। वैसे लिखते क्या आप, शेर शायरी गजल वगैरह क्या लिखते हैं आप? नहीं 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 मुक्का मारो, अटक गया इनका। नहीं साहब, मैं साहब साहब सुनाइए ना, आप सुनाने क्या आए हैं? अम्मी ने रखा था किताब में एक पुराना नोट, लिखा था दूध वाले को दे देना, तू मत खाना हराम खोर। आई एम जीनियस। ये आपने ये जो अपने पर्सनल लाइफ की ये इंसिडेंट मत सुनाई है हमें, आपने मेरे बारे में कुछ एक प्यार भरा शेर लिखा था ना? हाँ, थूक वाला जी। उसमें लिखा है, खकार के बिना थूकने का मजा नहीं जब तक की आवाज आती नहीं। क्या खत्म हो गया क्या शेर? आप घबराइए मत, आप टेंशन मत लीजिए, राइटर को मैं लेकर आई हूँ तो इनका पेमेंट भी मुझे ही करना होगा। आप आइए ना मेरे साथ, मैं आपका पेमेंट करती हूँ। मैं इनका पेमेंट करती हूँ। नाम भर एक बार विशाल सर और रेखा मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सर आइए सर, हाँ एक सेल्फी आप दोनों के साथ हो जाए। थैंक यू सो मच विशाल सर, और आप ऐसे ही एंटरटेन करते रहे अच्छी अच्छी फिल्मों से, और ऐसे ही आप अपनी मधुर आवाज से सारी दुनिया को एंटरटेन करते रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जोरदार ताली एक बार। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.